गाइस और मैं अभी जा रहा हूँ सिगिरिया रॉक फोर्ट। मेरे पीछे ही है, बहुत अच्छा लग रहा है, दुनिया का आठवां अजूबा माना जाता है। और सच में अगर श्रीलंका में आ रहे हैं और वहां पर ना जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए चलते हैं सिगिरिया रॉक फोर्ट। ये एंट्री गेट है और यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। जो इंडियन है उनके लिए हाफ टिकट है 2350 रुपीज। इंडियन पासपोर्ट पे आपको ये टिकट मिल जाएगा हाफ प्राइस पे, और जो नॉर्मल टूरिस्ट है अदर कंट्रीज के उनको है 4600 रुपीज। तो ये भी फायदा है इंडियन होने का। और ये अष्टकोनी तालाब है। सो यहाँ की खासियत ऐसे बताई जाती है कि यहाँ का जो पानी है वो अपने आप चेंज हो जाता है। जो पीछे केव है इसे कोबरा हुड केव कहते हैं, क्योंकि इसका जो नेचुरल शेप है वो कोबरा के हुड जैसा है। किसी भी केव को अगर आप देखोगे तो इंडिया में हो या श्रीलंका में हो या बुद्धिस्ट फिलोसफी जहां पर भी आपको दिखती हो, वहां पर एक कॉमन थिंग आपको मिलेगी कि आप डायरेक्ट रॉक पर पेंट नहीं कर सकते हो। इसके लिए उन लोगों ने इसके ऊपर एक मॉडर्न टाइप का मिक्सर बनाया है, जहाँ वो आप अजंता एलोरा केव्स में भी देख पाओगे, भीमबेट का केव भी वही है। और ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर भी सेम दिख रहा है आपको। उन्होंने वहां पे एक जो मिक्सर बनाया है वो मिक्सर के ऊपर हर तरह की पेंटिंग उन्होंने पेंट की है, क्योंकि अगर आप मिक्सर नहीं लगाओगे तो इट्स वेरी हार्ड टू जो बारीकी उसमें जो होती है वो दिखाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप उसे प्लेन सरफेस दोगे तो उसमें की बारीकियां जो होती है वो आप दिखा पाओगे। ये जो प्लेस है ये किंग कश्यप का ऑडियंस हॉल माना जाता था। कितने देर तक है, अगर पूरा ऊपर तक हुआ तो रात हो जाएगी नीचे उतरने के लिए।
कई क्राउड देखी ऐसे। आप देख सकते हैं उधर इतना क्राउड है कि एक घंटा हो गया और हम लोग ने सिर्फ अगर टोटल क्लाइम किया होगा वो 10 मिनट का किया होगा। सो एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहे, बहुत ज्यादा क्राउड है। ऊपर केव था जो हम लोग सीढ़ियां चढ़ के गए थे ना, वहां पर केव था। किंग कश्यपा की जो वाइफ थी उसकी टोटल 500 वाइफ थी, तो उनकी जो वाइफ थी उन्होंने वहां पर पेंटिंग्स बनाई है। सो वो पेंटिंग्स वहां पर है, वहां पर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए वहां पर कोई फुटेज नहीं मिल सका। वॉल है, इसे पीछे जो वॉल है उसे मिरर वॉल कहते थे, क्योंकि ऊपर जो केव्स में पेंटिंग है उस पे जब सनलाइट आता था तो वो जो उसका रिफ्लेक्शन है वो इस पे दिखता था, इसलिए इसे मिरर वॉल कहते हैं। हम लोग ने स्टार्ट किया था 4 बजे और अभी
6:20 नीचे पूछा था लोगों से, तो उन्होंने कहा था कि 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, बट आज क्राउड ज़्यादा होने की वजह से हम लोग को 3.5 घंटे लग सकते हैं। अगर आप श्रीलंका आते हो तो प्लीज़ यहाँ पर विजिट कीजिए, क्योंकि ये वर्थ है। और अगर आप इंडियन हो तो आपको डिस्काउंट भी है, हाफ कॉस्ट है। सो सच में ब्यूटीफुल व्यू है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ट्रैवलिंग।